नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 जुलाई में है आपके, बहुत ही कम समय बच रहा है। तो सामाजिक एसएसटी लेवल 2 का पेपर लेकर आया हूं, बहुत ही शानदार प्रश्न है एनसीईआरटी क्लास 6 की किताब से। पूरे ही प्रश्नों को करके जाना साथियों, बिल्कुल लेवल 2 वालों के लिए है, लेवल 1 वालों के लिए नहीं है ये वीडियो। लेवल 2 जो एसएसटी की तैयारी कर एसएसटी से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पूरे ही प्रश्नों को करके जाना और मेन बात है एनसीईआरटी की किताब से जहाँ से आपका पेपर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे आपके, प्रश्न नंबर 1 है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका पहले प्रश्न में सही रहेगा। साथियों, यहां पर पूछा जा रहा है प्रेरी घास के मैदान, तो प्रेरी घास के मैदान यूरोप या एशिया में नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाता है कि प्रेरी क्या है, तो प्रेरी क्या है साथियों, घास के मैदान है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या अटलांटिक है? तो प्रश्न नंबर 2 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका दूसरे प्रश्न में सही रहेगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर इनमें से क्या स्थित है साथियों? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है इस पर आर्कटिक महासागर स्थित है। कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर स्थित है साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके दूसरे प्रश्न में सही है। इसके पहले भी मैंने एसएसटी का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें 30 बहुत ही शानदार प्रश्न थे, वीडियो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। तो एसएसटी के कुछ स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए एग्जाम तक लेकर आऊंगा बीच बीच में, और मेगा टेस्ट यहाँ पर एसएसटी के मैं आयोजित करवाता हूँ साथियों, जिसमें पूरे 150 प्रश्न होते हैं। तो वो भी आप जरूर अटेंड करते हो, अगर आप उनको अटेंड करते हो वो भी आप जरूर अटेंड करिएगा। यदि आप उनको अटेंड करते हो साथियों तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपके, कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो विकल्प सही नहीं है उसका चुनाव प्रश्न नंबर 3 में करना है। तो पहला है स्टेपी, शीतोष्ण घास के मैदान, दूसरा है इग्लू, एस्किमो लोगों के बर्फ के आवास, तीसरा है कटिबंध, दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थिति का क्षेत्रफल, और चौथा है एस्किमो, कालाहारी मरुस्थल की जनजाति। तो प्रश्न नंबर 3 में राइट आंसर बताइए कि जो विकल्प सही नहीं है वह कौन सा है साथियों, प्रश्न संख्या 3 में। तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 4 साथियों, चौथा जो विकल्प है आपके तीसरे प्रश्न में एस्किमो, ये कालाहारी मरुस्थल की जनजाति नहीं है, बाकी स्टेपी जो है शीतोष्ण घास के मैदान ही हैं, इग्लू एस्किमो लोगों के बर्फ के आवास जो होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है, और कटिबंध दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थिति जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध कहा जाता है। देखिएगा, जो कालाहारी मरुस्थल है इसमें एस्किमो जनजाति नहीं बल्कि बुशमैन पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो तीसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है आपके, चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वी का औसत तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस से, 15 डिग्री सेल्सियस से, 37 डिग्री सेल्सियस से या 27 डिग्री सेल्सियस से? तो पृथ्वी का औसत तापमान आपको देखना है। कई जगह आपको पता होगा कि कई जगह बहुत अधिक तापमान है पृथ्वी पर और कई जगह माइनस में भी है, तो औसत यहां पर आपको देखना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 4 में आपके कौन सा विकल्प सही है, पृथ्वी का औसत तापमान है साथियों कितना है आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 4 में जो सही उत्तर है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? 15 डिग्री सेल्सियस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके पांचवा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है, जबकि पृथ्वी के अंदर जाने पर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, यदि हम आसमान की तरफ बढ़ते हैं पृथ्वी से, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। जैसे धरती पर मान लीजिए किसी जगह पर
30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं साथियों, पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाते ही वहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा, जबकि नीचे जाते हैं तो 32 मीटर में ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी अंदर से गर्म है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ कौन सा सही है? दूसरा सही है आपके प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, जैव मंडल बनता है, स्थल मंडल से बनता है, जल मंडल से बनता है, वायुमंडल से बनता है और इनमें से सभी। तो बताइए प्रश्न नंबर 5 में जैव मंडल का निर्माण किससे होता है साथियों? प्रश्न नंबर 5 में जो राइट आंसर है आपके, जैव मंडल का निर्माण स्थल मंडल से, जल मंडल से, वायुमंडल से, तीनों से मिलकर के जैव मंडल का निर्माण होता है। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 5 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके छठा प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑर्गन गैस। तो बताइए प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प आपका सही है? वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस की मात्रा है साथियों, किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है आपके, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% इसकी मात्रा है वायुमंडल में। कितने प्रतिशत? 78%। तो दूसरा विकल्प सही है, जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा है साथियों वायुमंडल में 21%। कितने प्रतिशत है? 21%। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे ये। तो सातवें प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। तो चलिए सातवां प्रश्न, कौन सी विशेषता शीतोष्ण कटिबंध की नहीं है? सुहावनी जलवायु, ऋतुओं का होना, सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव और जलवायु वर्ष भर गर्म व आर्द्र रहती है। तो जो विशेषता शीतोष्ण कटिबंध की नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रश्न संख्या 7 में प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और फिर सही उत्तर का चुनाव कीजिए साथियों। पूर्णतः RBSC NCERT की कक्षा 6 की किताब से ये टेस्ट बनाया गया है। तो सातवें प्रश्न में जो राइट आंसर है आपके, जलवायु वर्ष भर गर्म व आर्द्र रहती है, ये शीतोष्ण कटिबंध की नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध रहती है। कैसी रहती है? उष्ण कटिबंध। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आठवां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन यहाँ दे रखे हैं जिन पर विचार करना है। तो पहला कथन है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। दूसरा कथन है, आर्द्र प्रदेशों में उमस भरा वातावरण रहता है। तीसरा कथन है, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। और चौथा कथन है, प्रेरी अमेरिका में स्थित घास के मैदान है। तो ये 4 कथन हैं, इसमें आपको विकल्प देखना है। तो पहला विकल्प है केवल 1 व 4 सही है, दूसरा है केवल 1 सही है, तीसरा है केवल 1, 2, 3 सही है और चौथा है इनमें से सभी सही है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर दीजिए, कथनों पर विचार करके। एक बार आपको ये कथन देखने हैं कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है या कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो अगर हम पहले कथन की बात करें तो पहला कथन कह रहा है कि ऊंचाई पे जाने पर तापमान घटता है, बिल्कुल सही है साथियों। अभी हमने देखा है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। जो आर्द्र प्रदेश होते हैं उसमें उमस भरा वातावरण रहता है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं साथियों, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक तो गर्म मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और प्रेरी अमेरिका में स्थित घास के मैदान, इसको भी हमने ऊपर प्रश्न में देख लिया था। मतलब ये चारों ही कथन क्या है? सही है। अतः चौथा विकल्प सही है, उक्त सभी सही है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी विशेषता पर्वतीय प्रदेशों की नहीं है? सीढ़ीनुमा कृषि, पशुपालन, बागानी कृषि और बड़े कृषि फार्म। तो जो विशेषता पर्वतीय प्रदेशों की नहीं है उसका आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 9 में। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? देखो, जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश से समतल नहीं है वहाँ पर। पशुपालन वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, बागानी कृषि भी की जाती है, लेकिन साथियों जो बड़े कृषि फार्म हैं वो पर्वतीय प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि बड़े कृषि फार्म मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। तो इसलिए आपके प्रश्न संख्या 9 में चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10,
सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, उच्च भूमि में पाया जाता है, निम्न भूमि में पाया जाता है, वन प्रदेश में पाया जाता है या फिर अर्धवैशुष्क प्रदेश में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बताइए, सर्वाधिक जनघनत्व इनमें से कहाँ पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 में जो सही उत्तर है साथियों, कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में, तो सर्वाधिक जनघनत्व निम्न भूमि में पाया जाता है, निचली वाली जो भूमि होती है इनमें सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। दूसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है साथियों। देखिए, निम्न भूमि में मैदानी प्रदेश होते हैं और मैदानी प्रदेशों में ही सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, जबकि जो उच्च भूमि होती है, पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश, वहाँ पर जनघनत्व बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो 11वां प्रश्न है, लद्दाख एक है, गर्म मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, पठार भूमि है या मैदानी प्रदेश है। तो लद्दाख का नाम सभी ने सुन रखा होगा साथियों, लद्दाख इनमें से क्या है, कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 11 में। तो 11वें प्रश्न में राइट आंसर का चुनाव करिएगा। देखिए, 11वें प्रश्न में जो सही उत्तर है आपके, लद्दाख साथियों गर्म मरुस्थल नहीं है, बल्कि लद्दाख क्या है, एक शीत मरुस्थल है, शीत ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, बर्फ वाला। विकल्प 2 आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। सील वालरस रेडियस पाए जाते हैं, मरु प्रदेश में पाए जाते हैं, घास मैदान में पाए जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं या तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो बताइए प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों। 12वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा, कौन सा, पहला रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा या चौथा? तो 12वें प्रश्न में राइट आंसर है सील वालरस रेडियस, ये ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये ध्रुवीय प्रदेश में। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, एस्किमो जनजाति जो है, इनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है, किनका, सील का, वालरस का, रेडियस का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और यह ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। विकल्प 3 आपके 12वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वां प्रश्न, कौन सी रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। तो 13वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ, जो रेखा भारत के मध्य से गुजरती है वह इनमें से कौन सी रेखा है? 13वें प्रश्न में राइट आंसर कौन सा है साथियों, मकर रेखा है? जी नहीं, मकर रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा आंसर इसका नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट करके जाइएगा साथियों कि वह 8 राज्य कौन से है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइए, ये आपके लिए एक वर्क, आप इसको समझ सकते हो। तो 13वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत का मानक समय कौन सी रेखा निर्धारित करती है? 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश, 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, 82 सही 1/2 पश्चिमी देशांतर और ग्रीनविच रेखा। तो प्रश्न नंबर 14 में वह रेखा कौन सी है जो भारत का मानक समय निर्धारित करती है? 14वें प्रश्न में राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों, अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रश्न का, याद जरूर रहना चाहिए क्योंकि यहीं से आपका पेपर बनेगा साथियों। 14वें प्रश्न में आपके जो राइट उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, 82.5 पूर्वी देशांतर या 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर जो रेखा है, इससे ही भारत का मानक समय निर्धारित होता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखने से पहले एक और चीज, ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है यह इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, श्रीलंका व ब्राजील किस कटिबंध में है? शीतोष्ण कटिबंध में है, शीत कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है या समशीतोष्ण कटिबंध में है? तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा, श्रीलंका व ब्राजील इनमें से जिस कटिबंध में स्थित है वह है उष्ण कटिबंध। कौन से कटिबंध में स्थित है साथियों? ये उष्ण कटिबंध में स्थित है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न, 90 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है,
कर्क कहा जाता है या ग्रीनविच के नाम से इसको जाना जाता है। तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर, 90 डिग्री अक्षांश को इनमें से क्या कहा जाता है, प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो साथियों जो 90 डिग्री अक्षांश है इसको क्या कहा जाता है, ध्रुव के नाम से इनको जाना जाता है। साथियों विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को, शुष्क ग्रह, शुक्र ग्रह को, पृथ्वी को और शनि को। तो प्रश्न नंबर 17 में देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गलती नहीं करनी है साथियों। याद होते हुए भी एग्जाम में कई प्रश्न हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो वो गलती एग्जाम में हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नीला ग्रह इनमें से पृथ्वी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके दो तिहाई भाग से अधिक भाग पर पानी स्थित है, लगभग 71% भाग पर पृथ्वी के पानी स्थित है। साथियों पृथ्वी के 71% भाग पर पानी स्थित है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, किसको कहते हैं, पृथ्वी को। तो विकल्प तीन आपके प्रश्न नंबर 17 में सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके जाना कि ये जो NCERT RBSC की कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताबें हैं, इनसे यदि मैं आपके SST लेवल 2 वालों के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँ तो क्या आपका इसके प्रति रवैया क्या रहेगा, बिल्कुल कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आपकी इच्छा है तो रेगुलर ये टेस्ट आ सकते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ हिंदी के टेस्ट लाता हूँ, साइकोलॉजी के टेस्ट लाता हूँ, टीचिंग मेथड के टेस्ट लाता हूँ, साइकोलॉजी की स्पेशल क्लास आती है, संस्कृत के टेस्ट लाता हूँ और यहाँ पर मेगा टेस्ट भी आयोजित करवाए जाते हैं। सभी चीज़ें पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना SST लेवल 2 वालों के लिए ये NCERT RBSC की किताबों में से यदि आप टेस्ट चाहते हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बता करके जाइएगा। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप साथियों प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट, 9 मिनट 30 सेकंड और 10 मिनट 30 सेकंड। तो प्रश्न संख्या 18 में सही आंसर दीजिएगा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा 18वें प्रश्न में। देखिए आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी है इसका एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है साथियों, सूर्य है, और इसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय मिलता है। कई जगह आपको 8 मिनट 16 सेकंड मिल सकते हैं, 17 सेकंड मिल सकते हैं, 18 मिल सकते हैं, लेकिन सही आंसर 8 मिनट 20 सेकंड माना जाता है साथियों। तो यहाँ प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है, वैसे भी ये चीज़ें तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। विश्व की छत किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को, तिब्बत के पठार को, अनातोलिया के पठार को और अफांग गोवा के पठार को। तो इनमें से विश्व की छत के नाम से जिसको जाना जाता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 19 में करना है। तो साथियों 19वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा, जो पामीर का पठार है, कौन सा पठार, पामीर का पठार, स्टार कर लीजिए क्वेश्चन को, इसको ही विश्व की छत कहा जाता है। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। तो देखिए ये 19 ही क्वेश्चन लेकर आया था, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा साथियों और कितने प्रश्न आपने 19 में से सही किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बता करके जाना कि ये लगातार टेस्ट सीरीज चाहिए तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।